हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.2 का, हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। जो हमने पढ़ा था फिफ्थ वाला इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना कि पोस्टुलेट सिंपल सा है, उसको उतना कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ, तो उसको अगर आप री राइट करोगे सिंपल वर्ड्स में तो कैसे लिख सकते हैं। पहले तो मैं याद दिला दूं, इसमें था क्या कि अगर दो लाइंस हैं उस पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है और वहां पे इंटीरियर दो कोई भी एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है, तो उस साइड पे जब आप लाइंस को आगे एक्सटेंड करोगे तो वो लाइंस किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। ये था हमारा फिफ्थ पॉस्टुलेट। नाउ अब यहाँ पे इन्होंने कैसे लिखा हुआ था, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन द सेम साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल्स। अब इसको हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन इन सच अ वे, अगर दो लाइन्स है वो थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है इन सच अ वे दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, और उसमें किसी भी साइड के सम ऑफ इंटीरियर एंगल लेस है 180 डिग्री से, देन द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट। तो जिस भी साइड पे वो लाइन आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी, तो हम इसको इस वे में लिख सकते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आना मुश्किल ही है, बट पता होना चाहिए आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 सेज डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस एक्सप्लेन। क्या वो जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइंस को भी समझा रहा है, किसी तरह से समझा रहा है? कैसे? देखो, अभी हमने ये पढ़ा कि जैसे ही मान लो एंगल 1 और एंगल 2 जो है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो लेस देन है 180 डिग्री, तो ये लाइंस को आगे एक्सटेंड किया तो वो मीट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ ये पढ़ते, यस यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन बिकॉज इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन इन सच अ वे दैट द सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 देन द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, बट इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, अगर यहाँ पे जैसे ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 है इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल है 180 डिग्री के, देन द लाइंस डोंट इंटरसेक्ट और लाइंस आर पैरेलल। सो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या हम कह सकते हैं कि ये लाइंस हैं पैरेलल, मतलब L इज पैरेलल टू M। एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, देखो जैसे अब यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 भी है, अब ये एंगल भी लेस देन 180 नहीं है, बट ये एंगल फिर हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारा मोर देन 180 डिग्री होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये इस साइड पे लाइंस पैरेलल होंगी, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल कब होंगी? जब सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। लेस देन होगा तो इंटरसेक्ट करेंगी, मोर देन होगा तो वो अपनी अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, इक्वल होगा तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। ये था क्वेश्चन नंबर 2। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज एंड द चैप्टर एज वेल। चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसमें से जो मैंने आपको क्वेश्चन एक दो बताए हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी टाइप के आते हैं। सो ये था चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। Bye-bye for now.